नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। दिल्ली में मरीज 25,000 के पार, 10 रेल कोच में बनाया गया कोरोना वार्ड। शाहीन बाग में फिर CAA विरोधी प्रदर्शन की आशंका, पुलिस बल तैनात। SC में केंद्र ने बोला कि निजी अस्पतालों में फ्री कोरोना इलाज कराने की शक्ति नहीं। पंजाब सरकार की तैयारी, निकम्मे और भ्रष्ट कर्मचारी किए जाएंगे रिटायर। लालू यादव की 6 साल पहले हुई चोरी कार अरुणाचल प्रदेश से हुई बरामद। मिर्जापुर के मणिहान इलाके में घर में घुसा 5 फीट लंबा मगरमच्छ, रात भर अटकी रही लोगों की सांसें। ओडिशा के CM ने कहा कि राज्य के 11 जिलों में वीकेंड पे होगा शटडाउन। कर्नाटक में आई भूकंप की तीव्रता 4.0 रही, तो वही झारखंड में तीव्रता 4.7 रही। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत, कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुंबई में तूफान के बाद पसरे सन्नाटे में बड़ी खामोशी के साथ चले गए बासु चटर्जी, सांता क्रूज में हुआ अंतिम संस्कार। राजू श्रेष्ठ बोले कि क्रिकेट खिलवाकर बेहतरीन काम निकलवाते थे बासुदा, देर पहुंचने पर बालों में चंपी भी करवाते थे। लक्ष्मी बॉम्ब डायरेक्टर के राघव लॉरेंस के अनाथालय के कोरोना संक्रमित बच्चे ठीक हुए, निर्देशक ने शेयर की फोटो। रौनित रॉय ने कहा कि जनवरी से पैसे नहीं कमाए, बिजनेस भी बंद हो गया है, लेकिन घर का सामान बेचकर 100 परिवारों की मदद करता हूँ। निया शर्मा ने बिखेरा खूबसूरती का जलवा, शेयर किया मोनोक्रोम फोटोज। सऊदी कुवैत में PUBG पर छिड़ा विवाद, गेम में मूर्ति पूजा को लेकर मुस्लिमों में नाराजगी। कपल गोल्स दे रहे हैं आयुष्मान ताहिरा, सेम जैकेट पहनकर शेयर की फोटोज। अनुपम खेर ने खास अंदाज में माँ को किया बर्थडे विश, लिखा स्पेशल मैसेज। यौन उत्पीड़न के मामले में नवाजुद्दीन को घसीटे जाने पर भाई शमास ने दी सफाई, कहा कि 2 साल पहले उनके नाम केस ही नहीं था। लेजेंडरी फिल्म मेकर बासु चटर्जी के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर, अमिताभ, शबाना सहित कई सितारों ने दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन के दौरान वाराणसी के स्टेडियम में लग गई सब्जी मंडी, विरोध में उतरे खिलाड़ी। शोएब अख्तर पर PCB ने किया साफ, कहा कि हमने नहीं, रजवी ने किया शिकायत दर्ज। प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं मुशफिकुर, बोर्ड ने कहा स्टेडियम में नहीं। उत्थप्पा ने कहा कि हर रोज मन में खुदकुशी के ख्याल आते थे, ऐसा लगता था कि बैल्कोनी से कूद जाओ। भारत में अक्टूबर में नेशनल गेम्स होने की संभावना।